भी जान ले कि ये गिरोह पकड़ा गया है, उसके 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग पैसा लेते थे और ये कहते थे कि हम आपको भर्ती करवा देंगे, आपकी काउंसलिंग करवा देंगे, आप जहां चाहेंगे वहां आपकी नियुक्ति हो जाएगी। एक मामला सामने आया है, अभी इसमें जांच चल रही है। क्यों ना माना जाए कि इस गिरोह में हो सकता है कुछ लोग इससे पैसा देकर लाभान्वित भी हुए हो, और लाभान्वित हुए हो तो वो मौन हो, वो कुछ ना कह रहे हो, लेकिन जो लाभान्वित नहीं हुआ उसकी वजह से बात सामने आ गई। मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से ये बात जानकारी में आई है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इस तरह का दावा करते हैं लेकिन वास्तव में उसके कारण से कोई प्रभाव नहीं पड़ा होता है परीक्षा पर। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती परीक्षा के बारे में पूरी तरह से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस परीक्षा को कराते हैं। ये पूर्णतया गोपनीय होता है कि कौन सी एजेंसी परीक्षा करा रही है, कौन लोग विशेषज्ञ समिति में हैं, कौन प्रश्न बना रहा है। मंत्री तक को भी इस बात की जानकारी नहीं होती है, पूर्णतया गोपनीय होता है। लेकिन हमेशा से विभाग का, और मैं जब से आया हूँ, कोशिश यही होती है, हमारी सरकार की कोशिश यह होती है कि परीक्षा की पवित्रता बनी रहे, गोपनीयता बनी रहे। अगर कहीं से पुख्ता सबूत इस बात के आएंगे कि परीक्षा में इस तरह की कोई धांधली हुई है या गलत तरीके से कुछ लोगों को किसी रैकेट ने किसी तरह का कोई लाभ पहुंचाया है, तो निश्चित रूप से इस मामले में भी जांच कराएंगे और जो भी दोषी लोगों